फर्जी एसीबी अधिकारी बनकर पीडब्ल्यूडी अधिकारी के घर पर लूटमारी करने वाले 11 आरोपियों को नवी मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। नवी मुंबई के एरोली सेक्टर 6 में रहने वाले सार्वजनिक बांधकाम विभाग के सेवानिवृत्ति के घर पर अचानक कुछ अज्ञात का ग्रुप आता है और ग्रुप जो है अपने आप को एसीबी अधिकारी बताकर सभी को तलाशी लेने को कहता है और सभी तलाशी में 35,85,000 रुपये के मुद्दे माल को लेकर फरार हो जाता है। जिसके बाद सार्वजनिक बांधकाम विभाग के सेवानिवृत्ति रबाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और मामला दर्ज कराते हैं। जिनके बाद मामला दर्ज करने के बाद पुलिस अलग अलग टीम बनाकर पुलिस को ये संदेह होता है कि ये आरोपी मुंबई, ठाणे, कल्याण, पुणे के हो सकते हैं। जिसके बाद अलग अलग सीसीटीवी के आधार पर और जो तमाम इन्वेस्टिगेशन के मुखबिर हैं उनकी सोर्सेज से मिली जानकारी के आधार पर इन 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। जिन 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इन 11 आरोपियों के पास से पुलिस को 7.65 mm की पिस्टल, 6 कारतूस, 25,25,000 रुपये के मुद्दे माल जो है जब्त हुआ है। अब इनकी पूरी जांच सहायक पुलिस निरीक्षक राकेश पगारे कर रहे हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या नया तार जुड़ के आएगा ये बहरहाल आने वाला अपडेट ही बताएगा। लेकिन इस पूरे मामलात को लेकर जोन 1 के उपायुक्त नवी मुंबई के विवेक फंसारे ने क्या जानकारी दी है वो हम आपको सुनाते हैं। दिनांक 24 जुलाई को रबाड़े पुलिस स्टेशन में कांतिलाल यादव नामक एक रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर है, उन्होंने फिरियाद दी थी कि उनके घर में 5-6 लोग आके उन्होंने एंटी करप्शन के अधिकारी है ऐसे बता के उनके घर में से कुछ कैश और कुछ जेवर लेके गए थे। इस सिलसिले में हम लोग ने उसी दिन गुना दाखिल करके उसी दिन ये गुना डिटेक्ट किया है। हमारे सीनियर पी आई कोते और क्राइम पी आई ओटी और उनकी टीम इन्होंने मुंबई, पुणे, कल्याण, डोंबिवली ये अलग अलग जगह से अब तक 11 आरोपी इसमें से अरेस्ट किए हैं। टोटल 34,80,000 का मुद्देमाल गया था, उसमें से 25,25,000 का मुद्देमाल अभी तक हम लोगों ने जब्त किया है और आगे की भी जब्ती और आगे के 2-3 आरोपी और है इसमें, ये अटक करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसमें से 2 आरोपी है उनके ऊपर 420 के गुने दाखिल है। एक आरोपी जो है वो जमीन का व्यवहार पुणे में करता था, उसके ऊपर भी 3 420 के गुने दाखिल है। एक आरोपी वांटेड जो है उसके ऊपर भी 420 के 2-3 गुने दाखिल है और एक आरोपी है उसके ऊपर 307 और 324 के गुने इसके पहले भी दाखिल है। मैं बोला ना इसके पहले ही बोला भाई मुंबई, पुणे, कल्याण, डोंबिवली अलग अलग जगह से दो तीन ऐसे लोग हम लोगों ने टेक्निकल डाटा का सर ये करते हुए पकड़े। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज के साथ।